हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अहमद हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। कल जो है वो हमारा मैंग्रूव्स का प्रोग्राम है और हम एक यूनिक बेड इस्तेमाल करने वाले हैं, मुर्गे की आते। तो मैं आज इस वीडियो में आपको जो है मुर्गे की आते किस तरह से बनानी है चारे के लिए वो आपको बताऊँगा और उस पर शिकार करके भी दिखाऊँगा। बस आपको करना ये कि आपको वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज जो हम मुर्गे की आते जो साफ़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा गंदा काम है, तो इसके लिए ग्लव्स पहनना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो मैं पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ये काम कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलें आए मुर्गी की आंतें साफ करें। तो गाइस, ये हमारी मुर्गी की आंतें जो है मैं लेकर आया हूँ बाहर से खरीद के। तो आप किसी भी चिकन वाले से जो है वो ईज़िली परचेज कर सकते हैं, बहुत ही चीप रेट पर आपको मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो आपको साफ जो करना है वो अपने घर के अंदर नहीं कीजिएगा, काफ़ी बदबू होती है इसमें, ताकि जो है वो आपका जो है वो किचन और आपके घर के अंदर जो है वो बदबू नहीं फैले, ख़राब नहीं हो और घर वाले परेशान नहीं हो। तो आपको जो है इसको ओपन एरिया में करना है, छत पे, या आप जो है अपने घर के बाहर इस काम को जो है वो करें, ताकि जो है वो किसी से आपको और आपके घर वालों को इससे परेशानी ना हो। अब इसको जो है वो हमने अलग कर लिया, ये देख सकते हैं आप, पूरी जो है वो सीधी हो गई ये पट्टी। तो आपको जो है इसके बाद आपको इसमें से आपको इस तरह से प्रेस करना है और ये इसका जो भी गंद है वो बाहर आ जाएगा। ये आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है, इसके बाद आपको फिर पूरा इसको साफ करना है। आप इसको पीस में कर लें, ये आपने एक पीस अलग करके ये हमारी एक साफ हो गई है, हमने यहाँ रख दिया अलग। इसको आपको प्रेस करके जो है वो इसकी जितनी भी अंदर की गंद है वो आपको निकालनी है। पहले सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है वो इसका ये है। ये हमारी मुर्गी की आंतें ये बिल्कुल साफ हो गई। अब आप इसको जो है इसी तरह से आपको पूरा ये साफ करनी है इस तरह से, और इसको आपको वॉश करके रखना है। मुर्गी की आते हैं अब हमारी धुल चुकी हैं। धुलने के बाद इसको थोड़ी देर जो है वो किसी कपड़े में रखना है ताकि इसका पानी जो है वो कपड़े में जज्ब हो जाए, और उसके बाद उस पर नमक लगाना है। अब मेरे ख्याल से पानी थोड़ा बहुत जज्ब हो चुका है, 10 मिनट और वेट करते हैं और 10 मिनट के बाद इसमें हम नमक लगाएंगे। वो ये अब हमारी आंतें जो हैं वो धोने के बाद सूख चुकी हैं और अब हम इसमें नमक मिला रहे हैं, एक चम्मच और डालो। नमक का जो है वो आप लोग को ख्याल रखना है कि नमक अच्छे से ज़्यादा लगे, ताकि जो है वो मुर्गी के आते धूप के अंदर नमक में सूख जाएं। अब व्यूअर्स, इस पर अच्छी तरीके से जो है वो नमक लग चुका है। अब हमने ये करना है कि इसको फैला के रख देना है और 2 से 3 घंटे के लिए धूप में, सख्त धूप में छोड़ देना है।
और फिर इसके बाद हम इसको जब शिकार पे जाएंगे तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे और इसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे कि कैसा रहा रिजल्ट। इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ ताकि ये धूप में रहे और आराम से सूख जाए। जब मुर्गी के हाथों में नमक लग जाते हैं तो ये रबड़ की हो जाती है, तो इतनी आसानी से जो है वो हुक से निकलती भी नहीं है। तो मैं आप लोग को तरीका भी बता देता हूँ किस तरह से जो है वो मुर्गी की हाथ आपको लगानी है। जैसे जो है आप स्क्विड लगाते हैं हुक में, वैसे ही जो है आपको ये मुर्गी की हाथ लगा। ये हमारी हाथ लग गई यार, कैंची मेरी गई है। चलो लगा दो एक और स्ट्राइक मुर्गी के हाथों पे, देखते कौन सी मछली। मछली अहमद भाई वही आ रही है, लेकिन शायद अच्छा है यार, क्या बोलते हैं फ्राई के लिए तो सही है। मुर्गी के हाथों पे फोकस करने दें, फैन भी दिखा दें और ज़्यादा फोकस। अच्छा इसको अनहुक भी कर देते हैं फिर। ये देखें जैसी लगाई थी वैसे ही जो है वापस आई। जैसा आपको बताया था मुर्गी की आंतें दंदिया की जो है फेवरेट होती हैं, तो दंदिया आ चुका है लेकिन छोटा साइज है, लेकिन दंदिया तो दंदिया ही होता है। हाँ ऐसी बात है, ऐसे तो आएंगे। काला 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 काला। अरे माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त यार। तो फैजान भाई आज का एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब जा रहा है। बेहतरीन भाई, बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हो गया। उस तरफ दो, उल्टा उल्टा दो। हाँ साइज का काला नहीं दिया बेहतरीन भाई। हाथ पे हाथ पे हाथों का गेम है भाई। एक और भाई पुगिया और सब एक ही साइज के आ रहे हैं। मुजाकरात जो है वो कामयाब हो गए। भी दिखाई गई मुर्गी की आंख से हमने शिकार किया। ये देखें मुर्गी की आंख। वाह भाई वाह, जबरदस्त। ये देखें व्यूअर्स, फैन भी फोकस करें जरा। ये ढाटी मुर्गी की आते हैं और जो है ये आपके सामने ढाटी मछली। बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन भाई। ढाटी
और चारा एज इट इज लगा हुआ। वाह भाई वाह, मुजाकरा चल रहे भाई। ये अलग देखो ना, फिर भी हिंदू नहीं है। यानी बोटा क्लोथ से करने रिश्ता ये मैं नहीं कर लो। हाँ लाखो यात्रा नाता जी कमरे का पे और जी दे पानी दस रुपये नहीं मिल रहा। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मुर्गी के आते एज इट इज जो है वो जो है लगी ही आ गई और मछली भी आ गई, तो ये आसानी से निकलती नहीं है। अब मजे की बात, मुर्गी के आते के अलावा और कोई बेट चलने भी नहीं रहा। हमारे पास बोई अवेलेबल है, झींगा अवेलेबल है, मैया अवेलेबल है, लेकिन ये तीनों बेट नहीं चल रहे, सिर्फ उसे मुर्गी के हाथ चल रही है। आई डोंट नो व्हाई, हर बेट आपके पास होना चाहिए।